नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप COVID-19 का वैक्सीन लगवा लिए हैं तो उसका फ़ोटो वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से ही वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से जो फ़ोटो वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताने से पहले आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और हम आपको हमेशा कुछ तो कुछ नया सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर। जो भी आपके मोबाइल में ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में जाइएगा और ये वेबसाइट को आप टाइप करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं cowin.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, जैसे आप रजिस्टर एंड साइन इन पर क्लिक करते हैं, जो भी अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया था तो उस मोबाइल नंबर को आपको इसमें फिल कर देना है और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ये सब करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। तो चलिए मैं यहाँ पर नंबर फिल करके और गेट OTP यानी OTP मंगवाता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर फिल करते हैं और गेट OTP पर करते हैं तो सारा OTP आने के बाद एक आपके सामने एक ऐसा पेज देखने को मिलता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वैक्सीन लगवा लिए हैं, दोनों डोज होता है वो लगवा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप देखिए, आप यहाँ तक आ चुके हैं और आप यहाँ पर शो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सर्टिफिकेट और यहाँ पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो पुराना वाला ही सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर डाउनलोड होगा। और तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको यहाँ पर जो सेव टू डिजी लॉकर दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा देखने को मिलता है, अगर आप डिजी लॉकर में अकाउंट बनाए हैं तो आपको यहाँ पर जितेंद्र कुमार पर आपको सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप सेव कर देते हैं तो आपके सामने एक मैसेज यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको अपने डिजी लॉकर में जाना है। तो दोस्तों, अगर आप डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बनाए तो आप डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं डिजी लॉकर में जाकर। जैसे आप डिजी लॉकर में जाते हैं तो देखिए एक ऐसा आपके सामने खुलेगा, अगर आप अकाउंट बना लिए हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि इशू डॉक्यूमेंट यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है, जो यहाँ पर होम इशू डॉक्यूमेंट और ब्राउजर देख रहे हैं और यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है इशू डॉक्यूमेंट पर और आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा देखने को मिल जा रहा है कि फ़ोटो वाला आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है, यहाँ पर लिखा है फुली वैक्सीनेटेड कोवैक्सीन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो वाला जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जो 3 डॉट पर दिखाऊँ, VPDF पर जैसे आप क्लिक करते हैं, ये पुराना वाला PDF यहाँ पर जो पहले से डाउनलोड होता था वो दिखेगा। और यहाँ पर जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये भी हर जगह काम करेगा आपका वैक्सीन, यहाँ पर लिखा है कोविन पास, ये भी हर जगह काम करेगा, ट्रेवल में कहीं पर भी काम करेगा। अगर इंटरनेशनल में नहीं काम करेगा लेकिन अपने भारत में एक जो देख रहे हैं फ़ोटो वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट ये काम करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ये हमारी बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।